तो भाई लोग कैसे हो भाई। होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अभी अभी मैंने वो सरकारु वारी पाटा का थर्ड सिंगल देखा, जो कि टाइटल सॉन्ग था सरकारु वारी पाटा। बट वहां पर वो जब सरकारी पारू पाटा निकलता है, वो जो भी मतलब वो जो फीमेल की वॉइस में जिस तरह से सरकारु वारी पाटा सुन के मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। बिकॉज मैं एंट्री लगा के सुन रहा था, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था चिल्ला ज्यादा रहे मैडम और गा थोड़ा सा कम रहे, मेरे को ऐसा फील आया। बिकॉज आई एम अ हिंदी ऑडियंस, तो साउथ की लैंग्वेज में होगा तो ऐसा लगेगा ही ना। तो भाई मेरे को ऐसा फील आया एज अ रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा मतलब वो जो फीमेल की जो वॉइस है चिल्ला ज्यादा रही है और गा कम रही है, ऐसा मेरे को लगा। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर कोई रिएक्शन देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पर जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। बिकॉज सरकारु वारी पाटा हिंदी रिलीज, हिंदी रिलीज। अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले इसके हिंदी रिलीज की बातें उठी थी। बहुत लोग बोल रहे थे सरकारु वारी पाटा हिंदी में रिलीज होने वाली है, बट अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सरकारु वारी पाटा अभी देखो यार, पैन इंडिया रिलीज किसको बोलते हैं, RRR के GF चैप्टर 2 पुष्पा को उसमें रख दो, उसको बोलते हैं पैन इंडिया रिलीज। बट अगर हम कुछ मूवीज को लें जो कि फ्लॉप हुई है हिंदी के अंदर पैन इंडिया रिलीज करके, अभी बीस्ट फ्लॉप, वली माई फ्लॉप, खिलाड़ी फ्लॉप, अब ये जो सारी के सारी मूवीज है ये फ्लॉप क्यों हुई? ये इसलिए फ्लॉप हुई है बिकॉज हिंदी ऑडियंस को चूतिया बनाया गया। नंबर 1, इन लोगों ने सिर्फ ऐसे अपनी मूवी को रिलीज कर दिया विदाउट प्रमोशन, हिंदी ऑडियंस का कुछ ख्याल नहीं रखा इन लोगों ने। उसके बाद ये मूवी रिलीज होने के 3-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन पहले हमको पता चलता है ये मूवी हिंदी में रिलीज होने वाली है, तो कैसे चलेगा? नहीं चलता है। अभी मैं सरकारु वारी पाटा की जहां तक बात करूं, तो सबसे पहले यहां पर महेश बाबू की बात करनी जरूरी है। महेश बाबू एक ऐसा एक्टर है जिनको अगर हम पूछते थे कि भाई हिंदी में कब काम करोगे, वो बंदा बॉलीवुड में काम करने के लिए मना करता है, वो बंदा हिंदी फिल्म में काम करने के लिए मना करता है। मतलब एक तरीके से देखने जाए तो वो सिर्फ अपने साउथ की इंडस्ट्री में खुश है महेश बाबू सर। ये तो आपको पता ही होगा अगर आप महेश बाबू को फॉलो करते हो तो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो बंदा हिंदी में या फिर बॉलीवुड की मूवी में काम करने को रेडी नहीं है, वो बंदा प्रमोशन कैसे करेगा बॉलीवुड में आके या फिर मुंबई में आके या फिर हिंदी में? करेंगे क्या? अब महेश बाबू की ये जो फिल्म है या ये जो मूवी है, ये विदाउट प्रमोशन तो चलने से रही नहीं चलेगी, किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगी। अब बात करें इसके रिलीज डेट की, तो इसके रिलीज को टाइम कितना बचा है, 20 to 25 days, मतलब 1 महीने से भी कम। तो भाई अब ये जो मूवी रिलीज होने वाली है, अभी तक यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि हिंदी में आने वाली है नहीं आने वाली है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करने वाला है। ये सुनने में आ रहा है कि महेश बाबू हिंदी में आवाज देने वाले हमारे सांकेत मात्रे सर, एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई इसके जो हिंदी राइट्स है गवर्नमेंट सोलह के पास है, बट अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं है भाई, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। एंड मैं यहाँ पर ऐसे बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर इसको रिलीज करते भी है हिंदी में, तो लाइक अ खिलाड़ी की तरह रिलीज करोगे, या फिर आप रिलीज करोगे बीस्ट की तरह, या फिर रिलीज करोगे आप वाली माई की तरह विदाउट प्रमोशन, ऐसे ही चिपका दोगे तो हिंदी ऑडियंस नहीं देखेगी, नहीं देखेगी। इसको पैन इंडिया रिलीज नहीं, इसको पान इंडिया रिलीज बोला जाएगा और ये मूवी भी फ्लॉप हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आप हिंदी में फ्लॉप का थप्पा लोगे, इससे अच्छा तो आप रिलीज ही मत करो भाई, ये मेरा मानना है। बिकॉज अगर आप हिंदी में रिलीज कर रहे हो तो भाई एटलीस्ट 5-6 महीने पहले या फिर 7-8 महीने पहले आप अनाउंसमेंट करो कि भाई ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। फिर अगर आप विदाउट प्रमोशन भी रिलीज करोगे ना, तो भी यार चांसेस है कि आपकी मूवी चल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है भाई। अभी देखो महेश बाबू की मूवी अगर आप हिंदी में बोलते भी हो गए, चलो भाई हम रिलीज करेंगे पैन इंडिया रिलीज कर देंगे, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरे को समझ नहीं आता है। जीरो प्रमोशन पे चिपका दोगे ना भाई, तो कोई ना ही कोई स्क्रीन ढंग से मिलने वाली है, ना ये मूवी को कोई सपोर्ट देने वाला है हिंदी में, ना इस मूवी को कोई देखने के लिए जाने वाला है, हिंदी ऑडियंस में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा भाई, बहुत सारे इशूज होते हैं। साउथ में तो धमाल मचाएगी नो डाउट, बट हिंदी ऑडियंस सभी देखने के लिए जाएगी जब आप पहले से अनाउंसमेंट करोगे, हिंदी ऑडियंस को टाइम टू टाइम सब चीज दोगे। लाइक ये सिंगल आया तो हिंदी में भी आना चाहिए था, कोई ट्रेलर आ रहा है तो वो हिंदी में भी आना चाहिए, कोई टीजर आ रहा है तो वो हिंदी में भी आना चाहिए। सारे के सारे जो आप अपने साउथ के ऑडियंस का जिस तरह से ध्यान रखते हो ना, जो डिश उनको देते हो वही टेस्ट वही डिश हिंदी ऑडियंस को भी दोगे ना, तो आपकी मूवी चलेगी। फिर कोई भी स्टार हो, फिर उसमें अल्लू अर्जुन हो, महेश बाबू हो, रॉकी भाई हो, प्रभास हो, या फिर रवि तेजस हो, या फिर कोई भी हो, बट आपको ख्याल रखना पड़ेगा विदाउट प्रमोशन। जैसे कि बट नहीं वाला मतलब वो चंदा देते हैं या फिर चंदे को छोड़ दो, वो नहीं भीख देते भाई, पहले इनको खिला दो, अगर बचेगा तो कुत्तों के आगे डाल दो। इस तरह से हिंदी ऑडियंस को आप ट्रीट करोगे, इस तरह से हिंदी ऑडियंस को मूवी दोगे, इस तरह से हिंदी ऑडियंस के लिए आप लोग सब दोगे, तो हिंदी ऑडियंस भी चूतिया नहीं जो आपकी मूवी को सपोर्ट करने के लिए इन थिएटर जाएगी। बीस्ट के मेकर्स ने भी वो गलती की है, वहां पर खिलाड़ी के मेकर्स ने वो गलती की, वली माई के मेकर्स ने वो गलती की है ना। ए कैसे करोगे तो कहां से चलेगी यहां पर। अब मैं सरकारु वारी पाटा की जहां तक बात करूं, मुझे नहीं लगता महेश बाबू हिंदी में प्रमोशन करने के लिए आएंगे, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता।
चार पांच दिन पहले डिसाइड करेंगे हम इसको हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, फिर चिपका देंगे। तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ वही लोग देखने के लिए जाएंगे जिनको पता है, या फिर जो हर मूवीज को देखना पसंद करता है, या फिर जो महेश बाबू के जो फैंस हो गए, बहुत ही डाई हार्ट फैंस हो गए, वो जाएंगे। बिकॉज लोगों को पता ही नहीं चलेगा भाई एक ऐसी मूवी रिलीज हो रही है जो कि साउथ की है हिंदी डब में इन थिएटर, तो कैसे पब्लिक सपोर्ट करने के लिए जाएगी विदाउट प्रमोशन। प्रमोशन चाहिए लाइक केजीएफ मेकर्स की तरह, प्रमोशन चाहिए लाइक आप ट्रिपल आर फैंस की, ट्रिपल आर के मेकर्स की तरह। हालांकि बहुत ग्रैंड प्रमोशन हो गया, बहुत छोटा मोटा प्रमोशन कर लो ना यार, एटलीस्ट आओ मुंबई में इंटरव्यूज वगैरह दो, है ना, हिंदी ऑडियंस से बात करो, बताओ उनको हमारी मूवी आ रही है, प्लीज सपोर्ट करने के लिए जाओ, बोलो उनको, तो क्यों नहीं जाएंगे। बट आप लोग को ऐसे करना ही नहीं है, फिर बोलते हो कि भाई हिंदी ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती है, क्या ही बोल सकते हैं। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।